कौन सी मूवी हिंदी में और किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और क्या ये मूवीज फैमिली के साथ देख सकते हैं नहीं, इसके बारे में 20 से 30 सेकंड्स में जानेंगे। इन सभी टॉप 10 मूवीज में इतनी तो ताकत है कि ये आपको अपनी दुनिया में ले जाए, क्योंकि इस लिस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ वही मूवी सिलेक्ट की है जिनका आइडिया और कॉन्सेप्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 10 मूवीज की लिस्ट है। ऐसे ही बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज और शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 13। सिल्वेस्टर स्टेलोन की मूवी और उसमें नॉनस्टॉप एक्शन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। नंबर 10 पे क्लिफहैंगर 1993 की एक्शन थ्रिलर। मूवी का स्क्रीन प्ले और कुछ एक्शन सीन्स थोड़े से इलॉजिकल जरूर लगेंगे, इसलिए नंबर 10 पर रखा है, लेकिन ओवरऑल मूवी एक डेफिनेटली फ्रेश कंटेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चूहे बिल्ली का खेल आपको ग्लेशियर माउंटेन्स में देखने मिलेगा। इसके बावजूद इसके एक्शन सीन्स देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा 27 ईयर्स पहले की ये मूवी है। मूवी के अंदर किसी तरह का कोई एडल्ट सीन नहीं है, तो फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको दिल की धड़कने बढ़ाने वाली मूवीज देखना पसंद है तो नंबर 9 पे 2008 की वेंटेज पॉइंट। सिर्फ 1 hour 30 minutes की ये मूवी शुरू से आपको इतनी अच्छी तरह से बांध के रखती है, आप पल पल इस मूवी के अंदर सोचते रहते हो कि क्रिमिनल कौन है। कभी इस पे शक होता है, कभी उस पे शक। इन शॉर्ट एकदम टाइट इसकी स्क्रीन प्ले है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग एडिटिंग की है, जिसकी वजह से आपको 1% भी बोर नहीं होगा। यूट्यूब पर इस मूवी को बाय या रेंट कर सकते हैं और इस मूवी को देखने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। नंबर 8 की 90% मूवी बिना किसी डायलॉग्स के है, तो फर्क ही नहीं पड़ता इंग्लिश में हो या हिंदी में। यूट्यूब और अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है 2013 की ऑल इज लॉस्ट। एडवेंचर पर निकला एक आदमी बीच ओशन में अपनी बोट के अंदर खड्डा हो जाता है और उसके बाद एक के बाद एक कैसे चीजें बिगड़ती जाती है, और ये सब देखकर आपको लाइफ ऑफ पाई की याद जरूर आएगी। सिर्फ एक कैरेक्टर होने की वजह से ये मूवी थोड़ा सा बोर करेगी आपको, लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट सर्वाइवल मूवी है जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नंबर 7 की मूवी का एक्शन तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। 2010 की अनस्टॉपेबल, जिसे यूट्यूब पर बाय या रेंट कर सकते हैं। जैसा मूवी का नाम है वैसा ही नॉनस्टॉप एक्शन थ्रिल से भरी एक ट्रेन जो फुल स्पीड में दौड़ रही है और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। इस भागती हुई ट्रेन के ऊपर के एक्शन सीन्स बियॉन्ड इमेजिनेशन है। नंबर 6 की मूवी आप ही की तरह एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताई और मैं इसके लिए आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इंस्टा पे मैसेज जरूर करना, आपकी मूवीज की पसंद बहुत ही अच्छे लेवल की है। नंबर 6 पे 2014 की द रोड विद इन, ये कॉमेडी ड्रामा आपको Zee5 ऐप पर मिल जाएगी। इंग्लिश में है और मूवी 18+ है। रॉबर्ट शीहैन और देव पटेल, इनकी एक्टिंग आपको कुछ टाइम के लिए हिप्नोटाइज कर देगी। मूवी के अंदर सिचुएशनल कॉमेडी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और इन तीनों के लाइफ चेंजिंग जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में जिसे हम अबनॉर्मल समझते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा नॉर्मल है। नंबर 5 की मूवी का डेडिकेटेड रिव्यू हमने हमारे चैनल पर किया है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। 2015 की हॉरर ड्रामा अमेजॉन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है द विच। मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर आप ब्रूटल वायलेंस ब्लड से कंफर्टेबल हो। कोरियन मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इसकी स्टोरी, कॉन्सेप्ट और एक्शन सीन्स आपको कोरियन मूवीज का सबसे बड़ा फैन बना देगी। क्विंटिन टेरेंटिनो हॉलीवुड के अंदर एक मैजिशियन है। ऑडियंस को क्या पसंद है उस हिसाब से ये मूवी नहीं बनाते, ये अपनी पसंद ऑडियंस के सामने रखते हैं और उसके बाद ऑडियंस और कुछ पसंद नहीं करती। 2019 की अमेजॉन प्राइम पर बेहतरीन हिंदी डबिंग के साथ कॉमेडी ड्रामा वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। 2 hour 40 minutes की मूवी है, इसलिए ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है। वेब सीरीज की तरह आप इसे इंस्टॉलमेंट्स में भी देख सकते हैं। मूवी खत्म होने के बाद आप सीधा हॉलीवुड के 60s में चले जाओगे। डिकैप्रियो और ब्रैड पिट की एक्टिंग छप जाएगी आपके दिमाग पर। क्विंटिन टेरेंटिनो की मूवी है तो ऑब्वियसली 18+ है। ऐसी ही एक और ब्रैड पिट की आर रेटेड मूवी जिसने वॉर एक्शन मूवीज के जॉनरा को हिला के रख दिया। नंबर 3 पे 2014 की फ्यूरी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये पता होने के बावजूद हमारी मौत पक्की है, लेकिन फिर भी नाजीज की आर्मी के अगेंस्ट एक टैंक के साथ अपना हीरो अपने 5 क्रू मेंबर्स के साथ आखिरी सांस तक लड़ते हैं। इन शॉर्ट फैंटेसी 300 मूवी का रियलिस्टिक वर्जन है। नंबर 2 की मूवी को ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड के म्यूजियम में रखा जाएगा। 2019 की वॉर ड्रामा सोनी लिव ऐप पर इंग्लिश में अवेलेबल है 1917। लॉन्ग टेक शॉट्स विद बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, एक सिंगल टेक में इतने लंबे लंबे एक्शन सीन्स। मूवी देखते वक्त आपका दिमाग अपने आप से पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये मूवी सबके लिए नहीं है। बहुत ज्यादा डेड बॉडीज के अलावा तो कुछ आर रेटेड नहीं लगा, लेकिन मूवी का 2 hours लंबा लेंथ आपको बहुत फील होगा। इसके बावजूद अगर आप देखना चाहते हो, आज के टाइम में मूवीज किन हदों को पार कर चुकी है, तो इस मूवी को एक बार जरूर देख। नंबर 1 की मूवी आपके रातों की नींद उड़ा देगी और बार बार आप इसी के बारे में सोचोगे। 2014 की म्यूजिकल ड्रामा अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है विप्लैश। बिना एडल्ट सीन और वायलेंस होने के बाद भी ये आर रेटेड मूवी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है बहुत ही हैवी टॉपिक है।
टीचर अपने स्टूडेंट को परफेक्ट बनाने की सारी बाउंड्रीज तोड़ देता है, उसके बाद स्टूडेंट का इमोशनल लेवल पर गिरना, फिर से उठना, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 12,000 लाइक्स का एम करते हैं। पार्ट 13 की कंप्लीट लिस्ट वो कहां अवेलेबल है, आज रात हमारे इंस्टाग्राम आईडी @_review पे आपको मिल जाएगी। मेरे रिकमेंडेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा कमेंट सेशन होता है, मैं वेट करूंगा आपका इंस्टाग्राम और कमेंट सेशन में आपकी मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन जानने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।